सत श्री अकाल। फास्ट न्यूज़ खबरों के इस बुलेटिन में रुमन बाजवा देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत करती हूं। बुलेटिन का आगाज करांगे खास खबरों के नाल। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और अतवादियों दरमियान चल रही मुठभेड़ में दो अतवादी मारे गए हैं। हालांकि इन अतवादियों की पछाण अजे पता नहीं लग सकी है। सोग बाबा में अतवादियों के लुके होने बारे सुरक्षा बलों को जानकारी दी गई थी, जिस तों बाद यह मुकाबला शुरू होया। सुरक्षा बलों वालों तलाशी मुहिम दौरान अतवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मानकोट सैक्टर में एक धमाके तो बाद एक सेना का जवान शहीद हो गया। एक घटना कंट्रोल रेखा LOC के नेड़े वापरी है। जवान माइन धमाके में बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना तो बाद नेड़े खेत्र में तैनात सुरक्षा बलों की सारी टुकड़ी मौके पर पहुंच गई है। हुण तक जो जानकारी सामने आई है, उसके बावजूद इस गल की पुष्टि नहीं हो सकी है कि यह माइन अतवादियों ने रखी सी या फिर पाकिस्तानी फौज द्वारा कोई साजिश सी। जख्मी जवान की पछाण अजे तक नहीं हो सकी। सुरक्षा बल मौके की जांच में जुट गए हैं। मौके पर जांच की जा रही है। भारतीय फौज में वक्-वक् वर्गों में भर्ती लई शरीरिक टेस्ट में पास हुए उम्मीदवारों की 25 जुलाई को ली जाने वाली लिखती प्रीख्या रद्द कर दी गई है। यह प्रीख्या COVID-19 से बरसात कारण अगले हुक्मों तक मुलतवी की गई है। इस इम्तिहान लई 5 जिलों पटियाला, संगरूर, मानसा, बरनाला और फतेहगढ़ साहिब के उम्मीदवारों ने हिस्सा लेना सी। आर्मी हैडक्वार्टर तो प्राप्त हुए दिशा निर्देशों तहत COVID-19 से देश के वक्-वक् खेत्रों में बरसात कारण बनी हड़ां की स्थिति कारण इस अगले हुक्मों तक मुलतवी किया गया है। 2020 शुरू हुई कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया के कामकारां नूं रोक के रख दिता सी। 2020 तो चली आ रही इस बीमारी ने हुण तक अपने पैर पसारे हुए ने, पर हुण कुछ हद तक COVID-19 वर्गी नामुराद बीमारी थमनी शुरू हो गई है। यह वायरस का कहर हौली हौली करके थमना शुरू हो गया है। इत्थे दस दईए कि जिथे पिछले कुछ दिनों तो लगातार भारत के रोजाना कोरोना केसां दे मामले 1 लाख तो भी घट सामने आ रहे हैं, उत्थे ही कल यानी कि पिछले दिन 24 घंटे दौरान देश ने 50,000 तो भी घट मामले दर्ज किए ने। यानी कि भारत में शुक्रवार को कुल 39,441 COVID-19 के ताजे केस दर्ज किए गए ने। यह गल सच है कि लगातार पिछले कुछ दिनों तो COVID-19 में घाटा हो रहा है, तो हुण पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना के केस 50,000 तो भी घट दर्ज किए गए। ओलंपिक जिसनों खेडों का महाकुंभ किया जाता है, शुरुआत शुक्रवार को जापान की राजधानी टोक्यो में हुई। एक गोल पिछोकर तो बाद वापसी करते हुए भारतीय हॉकी टीम ने गोलकीपर PR श्रीजेश द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन की बदौलत टोक्यो ओलंपिक में न्यूजीलैंड को 3-2 नाल हरा के शानदार जीत की शुरुआत की। पिछले 4 दहाकों में अपना पहला ओलंपिक तगमा जीतने की कोशिश कर रही भारतीय टीम ने उम्मीद मुताबिक प्रदर्शन किया, ग्रुप ए का यह मैच जीत लिया। ओलंपिक खेडों में तीर अंदाजी मिक्स टीम मुकाबले में भारत की जेतू मुहिम की शुरुआत हो गई है। दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी हरा के तीर अंदाजी मिक्सड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी 5-3 नाल हराया। दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव की भारतीय तीर अंदाजी मिक्स डबल्स की टीम ने चीनी ताइपे की जोड़ी लिंचया एन टांग चीचून हराया। भारतीय जोड़ी मैच में 3-1 नाल पिछे रहने बाद अपने विरोधियों 5-3 नाल हरा के क्वार्टर फाइनल में दक्षिणी कोरिया नाल मुकाबला करने का मौका कायम किया। वेटलिफ्टिंग में पीराबाई चानू ने सिल्वर मैडल जीत के इतिहास सजाया। भारत का टोक्यो ओलंपिक में यह पहला मैडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों उन्होंने बधाई दी गई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मैडल जीतया है, जिस तों बाद देश के प्रधानमंत्री PM मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और किरण रिजिजू समेत होर उगे नेताओं वालों मीराबाई चानू को बधाई दी गई है। मीराबाई चानू की सफलता से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों बधाई दी गई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मैडल जीता है। महिलाओं की 49 किलो वर्ग में चांदी का तगमा उन्होंने अपने नाम किया है। युवा चीनी निशानेबाज यांग कियान ने औरतों की 10 मीटर एयर राइफल जीत के टोक्यो ओलंपिक खेडों का पहला सोन तगमा जीता है। भारत के चोटी के निशानेबाज अपूर्वी चंदेला और इलेविनल वालारिवन भी इस इवेंट के फाइनल में जगह नहीं बना सके। रूस की अनास्तासिया गलाशीना ने चांदी और स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टन ने कांसी का तगमा जीता है। राहुल यांग जिसने 628.7 अंक नाल क्वालिफिकेशन विच 6वां स्थान हासिल किया, फाइनल विच 251.8 अंक प्राप्त किया। यांग ने रूस के अनास्तासिया के 251.1 अंकों को बेहतर बना के अपने देश का सोन खाता खोलिया है। इस तो पहला नार्वे के जेनेट हेग डुआसेट ने 632.9 अंक नाल क्वालीफाई करते हुए फाइनल विच जगह बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा और तम दिवस से अपने संबोधन में देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध को याद करदे कहा कि जिथे ज्ञान है उत्थे पूर्णिमा है, उत्थे ही पूर्णता है। ज्ञान सभ्याचार का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी और भगवान बुद्ध को याद किया।
पिछले दो दिनों में बारिश नाल संबंधित वख-वख घटनावां विच 129 व्यक्तियों की जान गई ने ते बहुत सारे मलबे हेठा दबे हुए ने। महाराष्ट्र के आफत प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार रात को कहा कि लोग जमीन खिसकन बारिश हड़ा कारण मारे गए सन। महाराष्ट्र दी मुसीबतां अजे खत्म नहीं हुंदियां जा रहीं। मौसम विभाग मुताबिक अगले 24 घंटे लिए जारी भविष्यवाणी मुताबिक महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में अज भी भारी बारिश वेखी जा सकती है। इस दे नाल ही महाराष्ट्र के कई इलाकों में पहाड़ों उत्ते जमीन खिसकन कारण 100 तो वध लोग अपनी जान गवा चुके हैं। जमीन खिसकन तो इलावा हड़ के तेज बहाव में बहुत सारे लोग बह गए हैं। महाराष्ट्र तो इलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों, दक्षिणी कर्नाटक में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र तो बाद कर्नाटक तो सड़कों के ज्यादा पानी दी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिस कारण लोगों की चिंता बढ़ गई है। भारी बारिश के विचकार महाराष्ट्र समेत देश के कई थावां तो जमीन खिसकां दी खबरां सामने आ रही हैं। शुक्रवार को इस तरह दी घटनावां दा शिकार कर्नाटक के मंगलुरु तो मुंबई जा रही एक ट्रेन हो गई। घटना की एक वीडियो भी सामने आई है। देश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में जमीन खिसकन कारण सैकड़े लोग फंसे होने का खदशा है। इस तो अलावा कई जिले में हड़ा की स्थिति बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट मुताबिक पटरी तो उतरन की यह घटना दुधसागर सोनोलिम सैक्शन से वापरी है। स्थानक रिपोर्ट में रेलगड्डी की पछाण 01134 मंगलुरु जंक्शन CST टर्मिनस एक्सप्रेस स्पेशल वजो हुई है। हालांकि चंगी खबर यह है कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी वालों हरीश रावत को उत्तराखंड प्रचार कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किए जाने बाद हुण पंजाब कांग्रेस के नवे मुखी की नियुक्ति कांग्रेसी लीडरशिप वालों अगले कुछ दिनों में की जा सकती है। हरीश रावत को प्रचार कमेटी का प्रधान बनाया गया है, जिसलिए उत्तराखंड में पार्टी के प्रचार की जिम्मेवारी भी हरीश रावत के मोढ़ियां ते होगी। प्रचार कमेटी का प्रधान होने के नाते मुख्यमंत्री अहुदे के चेहरे के रूप में भी रावत को कांग्रेस लीडरशिप वालों पेश किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस का संकट हल होने बाद कांग्रेस लीडरशिप वालों नवे मुखी की नियुक्ति की जानी है। चंडीगढ़ के सैक्टर 15 स्थित पंजाब भवन में आयोजित नवजोत सिंह सिद्धू के ताजपोशी समारोह दौरान कोरोना नियमों की तजिया उठाई गई। इस मद्देनजर चंडीगढ़ के सैक्टर 11 की थाना पुलिस ने पंजाब के वख-वख जिले तो आए अणपछाते लोगों खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51B और 188 तहत FIR दर्ज कर ली है। पुलिस मुताबिक ये सारे लोग पंजाब कांग्रेस भवन में इकट्ठे हुए सन। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हुई तो बहुते लोग बिना मास्क ही नजर आए, जदों कि चंडीगढ़ प्रशासन वालों साफ तौर पर COVID-19 को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस नाल ही प्रोग्राम में शामिल लोगों ने DC के हुक्मों की भी उल्लंघना की, जिसलिए मामला दर्ज किया गया। सरबत खालसा दौरान थापे गए श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार भाई ध्यान सिंह मंट ने कांग्रेस के दो मंत्रियों ते तीन विधायकों बरगाड़ी मोर्चे दौरान किए वादे ना निभाने के कारण श्री अकाल तख्त साहिब विखे तलब किया है। जथेदार मंट ने 2 अगस्त को सवेरे 11 बजे मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा, विधायक हरमिंदर सिंह गिल, कुशलदीप सिंह किकी ढिल्लों और कुलबीर सिंह जीरा श्री अकाल तख्त साहिब से पेश होकर स्पष्टीकरण देने तलब किया है। संयुक्त किसान मोर्चे के आगू बलबीर सिंह राजेवाल की एक वीडियो वायरल हुई है, जिस विच उन्होंने कांग्रेस के मैंबर पार्लियामेंटा नु सख्त ताड़ना की है कि उन्होंने अख हर एक पार्टी से टिकी हुई है कि कोई पार्टी किसानों के हित लिए गल करती है या नहीं, पर संसद में कांग्रेसी मैंबर पार्लियामेंट आपस में खरमस्तियां करते हैं। इस मौके बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि इन पार्टियों को कोई फिक्र नहीं है, देश का अंदाता बीते 7 महीने तो दिल्ली बार्डर से रुट रहा, अपनी जायज हकी मंगा मना, पर कांग्रेस के आगू उन्होंने हितों की आवाज नहीं उठाते, सगो होर खेती पार्टी किसानों के हितों में आवाज उठा। रुस्तमे हिंद केसर सिंह कुश्ती अकैडमी पटियाला के पहलवान जसकरण सिंह ने 60 किलो भार वर्ग में हंगरी विखे हो रही सब जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी का तगमा जीत के पंजाब ते भारत का नाम रोशन किया है। जसकरण सिंह ने दसाया कि इस तगमे में ओलंपियन सरदार पलविंदर सिंह चीमा की रहनुमाई अधीन कोचिंग दे रहे पंजाब स्पोर्ट्स विभाग के कुश्ती कोच सरदार सारस सिंह अते सरदार गुरमेज सिंह की मेहनत का पूरा सहयोग है। कोच सारे सिंह का कहना है कि पंजाब स्पोर्ट्स विभाग हमेशा खिडारियों को सहयोग करता है। संयुक्त किसान मोर्चे वालों दिल्ली के जंतर मंत्र विखे दूजे दिन भी किसान संसद चलाई गई, जिस विच किसानों के 200 नुमाइंदियों ने हिस्सा लिया। इस मौके किसान नुमाइंदियों वालों संसद में थप गए खेती मंत्री रवनीत सिंह बराड़ को अस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वह प्राइवेट मंडिया APMC मंडिया भंग करने वाले फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स कानून तहत तसलीबख्श जवाब नहीं दे सके। किसी भी सवाल का जवाब देने तो असमर्थ खेती मंत्री ने नैतिक तौर पर अस्तीफा देकर किसान संघर्ष का हिस्सा बनने का फैसला किया, जिसका किसान संसद में ऐलान किया गया। आज की बहस में 52 किसान संसद मैंबर ने हिस्सा लिया।
पट्टी इलाके के पिंड चीमा अंदर बीते मई महीने दौरान हुए जमीनी झगड़े दौरान दर्ज हुए इरादा कतल के मुकदमे अंदर एक मुलजम को गिरफ्तार करके छड़न ते पीड़ित परिवार को इंसाफ देने बदले पुलिस अधिकारियों वालों ले गए लखा रुपए की रिश्वत के विरोध वजो पुलिस थाना सदर पट्टी अगे किसान संघर्ष कमेटी पंजाब कवलप्रीत सिंह पन्नू ग्रुप के सूबाई आगू जसविंदर सिंह की अगुवाई हेठ पीड़ित परिवार वालों रोस प्रदर्शन किया गया। 58/2021 अंदर दर्ज व्यक्ति सुरिंदर सिंह थाना सदर पट्टी के SHO जसविंदर सिंह के दफ्तर अंदरों गिरफ्तार करवाया गया से पर उस रात नूं SHO जसविंदर सिंह ते तफ्तीशी अफसर ने गिरफ्तार किए व्यक्ति नूं छड्ड दिता। पीड़ित परिवार ने कहा कि इस मामले विच उन्हां नूं इंसाफ देने बदले DSP पट्टी कुलजिंदर सिंह ने 5.5 लाख रुपए अते तत्काली SHO हरिंदर सिंह चमेली ने 2.5 लाख रुपए अते थाना सदर अंदर तैनात मौजूदा पुलिस अधिकारी ने भी रिश्वत ली है पर अजे तक दूजी धिर दे किसी दोषी नूं गिरफ्तार नहीं किया गया ते ना ही उन्हां नूं कोई इंसाफ मिलिया। अबोहर दे नेड़े पिंड गोबिंदगढ़ कोल अचानक बस का संतुलन बिगड़न कारण भयानक हादसा वापरिया। जानकारी मुताबिक मुक्तसर तो अबोहर राज ट्रांसपोर्ट की बस आ रही थी जिसका पिंड गोबिंदगढ़ के नेड़े प्राइवेट स्कूल के सामने अचानक संतुलन बिगड़न कारण बस किकर नाल जा टकराई जिस नाल अगला हिस्सा दो फाड़ हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके से ही मौत हो गई जबकि बाकी सवारियां फटड़ हो गई जिन्होंने एम्बुलेंस की सहायता नाल सिविल हस्पताल अबोहर ले जाया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चोन रैली ले पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक नवे विकल्प की पेशकश की है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग यह फैसला कर सकेंगे कि वह पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या स्वतंत्र राज बनाना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने विरोधी धिर वालों कश्मीर को एक सूबा बनाने की कीती जा रही योजनाओं के दावे को भी रद्द कर दिया है। हालांकि भारत ने हमेशा जोर देकर कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है और यह रहेगा। दस दईए कि 25 जुलाई में होने वाली चोणों के मद्देनजर तरार खाल पहुंचे खान ने इस गल तो इनकार किया कि कश्मीर को पाकिस्तान का प्रांत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मैनू नहीं पता कि यह गल्लां कित्थों आ रही ने। खबरां दे इस बुलेटिन च इन्ना ही देश दुनिया की बाकी खबरों की जानकारी बने रहो साडे नाल चंडीगढ़ टाइम टीवी से। धन्यवाद।